सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इस बात का ऐलान आज पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने किया। कन्नौज से सपा ने पहले तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। तेज प्रताप यादव आज अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन टल गया। अब अखिलेश यादव गुरुवार को कन्नौज लोकसभा सीट के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले अखिलेश ने कन्नौज से चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में कहा था कि जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। नॉमिनेशन के पहले की जानकारी आप सभी के पास है। जनता ने मन बनाया है और बीजेपी इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी और NDA को PDA हराएगा। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने ऐलान किया कि अखिलेश कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी घोषित होते ही सपा के स्थानीय यूनिट विरोध में उतर आई थी। इतना ही नहीं, कन्नौज के सपा नेताओं ने अखिलेश से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया था। स्थानीय कार्यकर्ताओं और लोकल यूनिट के इनपुट को ध्यान में रखते हुए सपा ने कन्नौज से तेज प्रताप की जगह अखिलेश को मैदान में उतारने का फैसला लिया। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने अखिलेश के चुनाव लड़ने पर कहा, अखिलेश यादव की पार्टी उनकी जेब में है, किसी को भी वो टिकट दे सकते हैं और किसी का भी टिकट काट सकते हैं। मैं अखिलेश यादव को एक ही सलाह दूंगा कि वो खुद यहाँ से चुनाव लड़ें ताकि एक बराबरी की लड़ाई हो। अगर कोई और लड़ेगा तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी।